दामादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने आप, फिर उसके बाद हजरत रुकिया रजी अल्लाह तआला का निसार हो जाता है इंतकाल, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को और रज और मदार होता है आपके इंतकाल से, तो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ताहिदादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला का जिक्र आपने कर दिया। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि उस्मान अगर मेरी 100 लड़कियां होती और वो एक के बाद दूसरे अगर इंतकाल कर जाती तो मैं एक के बाद दूसरे 200 लड़कियों को तुम्हारे निकाह में दे देता। आपका जो लखब है जुर्मो है ये दो दारे लड़कियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी अजवाज मुतहरात है। ये एजाज ये मकाम किसी सहाबी को नहीं मिला के और किसी सहाबी को नहीं बल्कि तारीख दुनिया में अगर देखें तो कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा कि एक नबी की दो साहिबजादियों का मुतालिका हुआ। ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की है कि जिन्हें ये लक़ब मिला, जिन्हें ये मेज़ाज मुकर्रर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हमेशा दुआ फरमाते हैं। जगह लोगों का मौका है नए प्रभुज में मुसलमानों को माली मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो जंग का माहौल था और जंग की साजो सामान नहीं था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है कि जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल पेश करे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और आप कहते हैं या रसूल अल्लाह तआला 300 ऊंट माल का जो सामान मैं देता हूं। मेरे रब फरमाते हैं आप आपका सलाम के और कोई है। फिर आप उठ खड़े होते हैं अल्लाह एक रिवायत में कि 1000 ऊंट 70 घोड़े और 10000 दिरहम आपने दिए अल्लाह के रास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये अमल के बाद अब उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो कुछ दिया गया है इसके बाद अब उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती अमल के लिहाज से। लेकिन फिर भी हजरत उस्मान ने कहा उनकी हालत ये कि कभी आप कब्रों की तरफ चले जाते तो कब्र को देखकर रोती, इतना रोते इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू टपकने लगते। लोग पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों रोते हैं तो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल खबर है। अगर खबर में सुकून है बेहतरी है तो आगे की जो मंजिल है कयामत वगैरह वो सब के सब आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर दुश्वारी है तो फिर आखिरत की हर मंजिल में इससे ज्यादा दुश्वारी होगी। आपका मौत ही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत की नबीयत खुशखबरी दे रहे हैं कि ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, ऐ उमर तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ अली तुम जन्नती हो। फिर भी आपका हाल ये कि दार खता हो कौम का खता का ये आलम कि दिन भर रोजे रखते आप महीना महीना रोजे रखते रात में इफ्तार करते और दिन भर रोजे के आलम में खिलाफत के उमूर समाज हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की शान में भी आज बेअदबियां और कुतालियां हो रही। एक ऐसे मोहसिन ये कि जो इस्लाम के लिए हमेशा अपने आप को वक्फ करते जब कभी भी कोई माली जरूरत पड़ी आप पेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है बस आदत के 6 साल बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की विलादत हुई। अरब में दो खानदान खानदान बनू हाशिम के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और एक खानदान बनू उमैया हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को खानदान बनी उमैया से आता था और पांचवी नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सिलसिला मिलता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی بھوپی آپ کی باتیں مانتا ہے. تو اس طرح میں کہ آپ جو رشتہ ہے آپ علیہ السلام سے قریب ہے. عرب میں شراب پینے کا عام رواج تھا, ہر چھوٹا بڑا سب کوئی شراب کے نشے میں مست رہے. معلوم ہے نا وہ بات کہ جب حرمت شراب آئی, جب شراب کی حرمت آ گئی قرآن میں, تو مدینے کی گلیوں میں شراب رہنے لگی. کہاں تک؟ گھٹنوں تک, اس کے اوپر تک ابھی شراب پھینکتے رہے. تو اس بات سے اندازہ کریے کہ کتنی شراب رکھتے تھے.